मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएसपी श्रीनगर श्री राकेश बलवाल ने ये स्टेप लिया, एक अहम स्टेप लिया जो काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। श्रीनगर में ये लेडी पुलिस का एक स्क्वाड, एक दस्ता है जो पेट्रोलिंग दस्ता है और डेडिकेटेड है लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए। आप और हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी बच्चियाँ, अब चीज़ें ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रही हैं, तो कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेज सब कुछ खुल रहे हैं और बहुत दिनों से शिकायत रहती है। जब मैं एसपी साउथ था उस दौरान से लेके अभी आज मैं डीआईजी आया हूँ, तो उसके बाद भी कि लोग बताते हैं कि हमारी बच्चियों को स्कूल टाइम में, जाने के टाइम में, आने के टाइम में लड़के छेड़ते हैं। और श्रीनगर में भी कुछ ऐसी वारदातें हो गई हैं, आपने देखा होगा कि एसिड अटैक और वो गर्ल्स पे एक अटैक की बात आई थी। उसके मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने, और ये राकेश की एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उसने इसको अमली जामा पहनाया कि अब हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो महफूज हैं, और ये जो लेडी का जो दस्ता है ये पुलिस का डोमिनेंस और ख़ासकर डेडिकेटेड टू लेडीज़ ये ग्राउंड पे वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो बधाई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसका। अभी जो हम लोगों ने मोडस ऑपरेंडी इसका तय किया है, इनिशियली कोचिंग हब है, आपने देखा होगा शाम के टाइम आप तो जाते होंगे सदर इलाके में, कोचिंग हब में जब एक साथ उनकी क्लासेस ऑफ होती हैं तो उस समय वहाँ से हमें ज़्यादा शिकायत मिली है। तो हम लोग एक सर्वे करवा रहे हैं कि जिस कोचिंग हब और जिस सेंटर के पास से हमें ज़्यादा शिकायत मिली है और वो जो टाइम जोन है, जिस टाइम जोन में वारदातें हो रही हैं, उन जगहों पे इनकी तैनाती होगी और दे विल बी सपोर्टेड बाय आवर पीसीआर्स के जो हमारे दूसरे 100 डायल जो हमारे व्हीकल्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगी। तो ये एक डेडिकेटेड लेडी दस्ता होगा और सपोर्टेड बाई अदर पीसीआर वैंस जो हमारे चलते हैं। लेडीज़ के लिए मददगार हेल्पलाइन आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है, 108 पे भी काम हो रहा है और इनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो हमने गाहे बगाहे हमेशा हर बार मैं उसको ये डलवाता हूँ सोशल मीडिया पे। हमारा पीसीआर का नंबर भी है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं और जो नज़दीकी हमारे आसपास कोई भी तैनाती लोग हैं तो उस वहाँ पर वो कॉल कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ कंप्लेंट करने के लिए नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि कभी कभी हमारी बच्चियां इससे झिझक जाती हैं, नहीं कंप्लेन करती हैं या उनको दबाव में नहीं करवाया दिया जाता है। अदरवाइज सिस्टम यहां पे है, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी हमारी ओर से होगी एसएसपी साहब ने हमें इंश्योर किया है कि वो इसको सिस्टम और हेल्पलाइन की चीज़ों को और इम्प्रूव कर दें। एज ऑफ नाउ ये एग्जाम्पल सेट किया है श्रीनगर ने और ये ग्रेट इनिशिएशन श्रीनगर पुलिस ने शुरू किया है। मुझे खुशी होगी कि इससे इंस्पिरेशन लेते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी ये करें। बात है कि उनके पास उतनी तादाद में वैसे कॉलेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस हैं या नहीं है। श्रीनगर में ये सेंटर होने की वजह से हर एक ज़िले की बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं पढ़ने के लिए, रुकती हैं, तो ये पहले यहाँ ज़रूरी था। तो एज अ मॉडल हमने यहाँ शुरू किया और ये बेहतरीन साबित होगा। अगर बाकी हमारी बच्चियां घबराती नहीं है, दे आर वेरी बोल्ड, दे आर कमिंग आउट, दे आर अटेंडिंग क्लासेस, दे आर डूइंग जूडो, कराटे एंड एवरीथिंग। बच्चियां हमारी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे सोसाइटी के लोग इनको कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि छेड़खानी किया जा सकता है, वो बाज आएँ। लड़कियाँ खुद भी काबिल हैं आपको टैकल करने में और पुलिस पहले से ज़्यादा इस बात को लेकर अब सेंसिटिव हो चुकी है।